एक प्रश्न आया है कि भगवान बुद्ध के यानी भगवान बुद्ध के अनुयायी या स्वयं बुद्ध अपने पास शस्त्र लेकर क्यों नहीं चलते थे, जबकि वो जंगल वगैरह में भी जाते थे और वहाँ जंगली जानवर भी उनको मिलते थे। बड़ा अच्छा और बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दुनिया में जो भी संत होगा, दुनिया में कहीं भी जो भी संत होगा, संत की कुछ पहचान है। संत माने जो सच्चा व्यक्ति है, उसकी पहचान है। अब उसके अंदर बुराई नहीं है एक भी। एक तो वो पूरी दुनिया के मनुष्य के बारे में बात करेगा, एक समुदाय, एक संप्रदाय या एक छोटा सा स्टेट या गढ़ या देश या मोहल्ले, इसके बारे में बात नहीं करेगा। उस जो जब भी बात करेगा पूरी मानव जाति या पूरी जीव जाति के बारे में बात करेगा। उसके लिए मानव जाति और जीव जाति जितनी भी हैं वो बराबर होती हैं। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर कोई बुराई नहीं होती है, तो उसके अंदर कोई ईर्ष्या जलन या कोई क्रोध अग्नि नहीं होती है, इसलिए उसका कोई शत्रु भी नहीं होता। उसके शत्रु वो लोग होते हैं जिनसे उनका धंधा पानी बंद हो जाए, मगर फिर भी वो शस्त्र नहीं रखता और ना ही शस्त्र की जरूरत महसूस करता, क्योंकि वो किसी को मारेगा ही नहीं। वो सबको अपना भाई, अपना बंधु, अपना भातव समझता है और इस बात को वो अंदर से जानता है, यानी बहुत अच्छे अंदर के गहन से, शरीर के अंदर से वो जानता है इस बात को कि दुनिया में सारे जीव और सारे जंतु एक दूसरे से लिंक हैं, एक दूसरे से रिश्तेदार हैं और एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। इसलिए उसे शस्त्र रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जब सारी गंदगी, सारे मल, सारी बुराइयाँ वो छोड़ देता है संत, तो उसके अंदर माँ के पेट से जन्म के समय जो बहुत अच्छाई निकलती हैं, जैसे बच्चा हमेशा मुस्कुराता रहता है, बच्चा सबसे हाथ मिलाता है, बच्चा सबसे दोस्ती करता है, बच्चा सबसे करुणा रखता है, बच्चा सबसे बड़े प्यार से देखता है, तो ये अनंत जो उसके अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, करुणा, मुदिता, समता और मित्रता यानी मैत्रता, यानी सबसे दोस्ती रखेगा, सबसे करुणा रखेगा, सबसे भाईचारा रखेगा, ये जो चार उसकी प्रॉपर्टियां हैं हमेशा खुश रहने की, बच्चे की तरह, ये उसके अंदर ऑटोमेटिक बाहर निकल आती हैं, क्योंकि ये होती हैं, इसलिए उसे ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये जो जब ये गुण आ जाते हैं तो शरीर से एक अच्छे प्रकार की तरंगें निकलती हैं। तो जितने भी जानवर होते हैं, आप ध्यान दीजिए, जानवर जब तक आपको हिट नहीं करेगा, जब तक आपको नहीं मारेगा, जब तक आपको नहीं काटेगा, या तो आप उसके भोजन ना हो और वो भूखा ना हो, और या आपने उसको परेशान ना किया हो। सांप कभी नहीं काटता, अगर उसकी पूंछ पे पैर पड़ जाए तो वो अपनी जान बचाने के लिए काटता है, उसे नहीं पता कि आपने कौन है क्या है, वो अपने रास्ते जाता है, बगैर वो डरा डरा रहता है, अगर आप दिखाई दे जाएंगे तो वो साइड में दुबक के भाग जाएगा। ऐसे सारे कीड़े होते हैं, वो देखते ही भाग जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि वो सब आपका रेस्पेक्ट करते हैं, आप भी उनका रेस्पेक्ट करेंगे। तो जंगल में पूरे भिक्कू संघ को कहीं परेशानी नहीं होती थी। एक बार एक भिक्कू को सांप ने काटा तो भगवान ने कहा कि उसने उनको मित्रता नहीं दी। फिर उन्होंने मित्रता का एक सूत्र बताया, और अब जहाँ भी लोग विपसना करने जाते हैं वहाँ पूरे जंगल में होती है, वहाँ इतने कीड़े मकोड़े होते हैं, मगर कोई जानवर किसी को नहीं काटता, ना ही वहाँ जानवर डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि उन सबको वहाँ मैत्री, फ्रेंडशिप की तरंगें दी जाती हैं। इसका प्रभाव पड़ता है, जैसे गाय होती है, गाय कितनी भी अच्छी हो, अगर आप उसे मैत्री देंगे, प्यार से हाथ अगर उसके शरीर पर करेंगे तो उसको अच्छी फीलिंग आती है, तो वो बहुत प्यार से आपके साथ रहेगी, मगर अगर आप उसे मारेंगे या कुछ करेंगे तो अनंत गाय इतना सीधा जानवर होते हुए भी वो भी आपको हिट करेगा, मारेगा। इसलिए जो संत होते हैं या बुद्ध जैसे लोग होते हैं पूरी दुनिया में, वो शस्त्र नहीं रखते। शस्त्र रखने की आवश्यकता संतों को कभी नहीं होती, चाहे वो गुरु नानक हैं, चाहे मोहम्मद साहब हैं, चाहे वो ईसा मसीह हैं, चाहे वो बुद्ध हैं, चाहे कोई भी संत हैं दुनिया के, या जो अभी भी लोग संत वाले बन रहे हैं या थोड़े थोड़े संत हुए हैं, वो भी हथियार नहीं रखते। शस्त्र रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्यार में शस्त्रों का क्या काम है? शस्त्र जो रखते हैं वो सिपाही का काम है। अगर आप देश में या कहीं कोई व्यभिचार हो रहा है या कहीं कोई अगर क्राइम हो रहा है और क्रिमिनल आप पे वार करेगा, तो उससे बचने के लिए, अपनी रक्षा के लिए, या उसको पकड़ने के लिए, या उसको मारने के लिए, या अपनी देश की सुरक्षा के लिए सिपाही लोग सारे शस्त्र रखते हैं। उनके लिए शोभा भी देता है और उनके लिए वो जायज़ भी होते हैं। धन्यवाद।